सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अवनी। विंटर सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइनेस। तो हमारी स्किन तो ड्राई हो ही जाती है लेकिन उससे ज़्यादा ड्राई होते हैं हमारे लिप्स, क्योंकि हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन पे ऑयल ग्लैंड्स भी नहीं पाए जाते तो नेचुरल ऑयल भी जनरेट नहीं होता, साथ ही साथ उन पे बाल भी नहीं होते हैं तो प्रोटेक्शन का कोई लेवल नहीं है। इसीलिए जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा जैसे हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं तो हमारे लिप्स सबसे पहले फटते हैं, वो उनमें ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। साथ ही साथ दोस्तों डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे जो लिप्स हैं वो फटने लग जाते हैं और अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमारे जो लिप्स हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं लिप्स फटने के, साथ ही उनमें क्रैक आ जाती है, ड्राई फील होते हैं, कभी कभी तो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 लिप बाम बताने वाली हूँ जो कि आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे और मैं आपको एक स्क्रबर भी बताने वाली हूँ। स्क्रबर से क्या होगा कि आपके लिप्स पे जो डेड सेल्स होंगे वो दूर होंगे, उनको एक मॉइस्चर मिलेगा तो ऐसे, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग किस किस तरह के लिप बाम बनाने वाले हैं। तो पहला हम लोग बनाएंगे बीट रूट की हेल्प लेके, दूसरा हम लोग बनाएंगे फूड कलर की हेल्प लेके और तीसरा हम एक लिपस्टिक की हेल्प लेके लिप बाम बनाने वाले हैं। और जो मैं आपको स्क्रबर बताने वाली हूँ वो भी हम लोग बीट रूट की हेल्प से ही बनाएंगे। किस तरीके से हम इनको प्रिपेयर करेंगे तो चलिए देख लेते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं स्क्रबर, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बनाएंगे बीट रूट से स्क्रबर। तो यहाँ पे मैंने एक बीट रूट ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है और मैं कद्दूकस करके इसका हम लोग जूस अलग से निकाल लेंगे। दोस्तों बीट रूट हमारी लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, साथ ही ये एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है जो हमारे लिप्स पे पिगमेंटेशन को दूर करता है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच ब्राउन शुगर क्योंकि हमें इसका स्क्रबर बनाना है, और मैं इसके अंदर 1 चम्मच शहद ऐड कर दूँगी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं मॉइस्चर देने के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीट रूट का जूस। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बीट रूट जूस ऐड कर लिया है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एयरटाइट कंटेनर में इसको भरकर रख लेंगे। दोस्तों आप इसे 2 हफ्ते तक आराम से चला सकते हैं लेकिन याद रखें कि इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रखें उठाकर। तो ये था हमारा बीटरूट का स्क्रब। इसको आप जब अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे तो लगभग आप इसे 1/2 मिनट से लेके 1 मिनट तक आप इसको अच्छे से मसाज दें हल्के हाथों से, और ये आप इसके बाद अपने लिप्स को पोंछ लीजिए किसी टिश्यू पेपर की मदद से या फिर आप इनको वॉश कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिप बाम अप्लाई करेंगे। तो लिप बाम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीटरूट से ही। तो बीटरूट से लिप बाम बनाने के लिए क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी चलिए देखते हैं। लिप बाम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पेट्रोलियम जेली। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, सभी के घर में भी रहता है और अगर नहीं भी है तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। 20 वैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसको लेने में। तो ईजी है कि आप इसे पेट्रोलियम जेली से ही बना लें। यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये दोनों ही चीज़ें हमारी लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा फटते हैं तो आप केवल और केवल पेट्रोलियम जेली या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ करेंगे तो भी आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब मैं इसके अंदर लगभग 1 टेबल स्पून मिला रही हूँ यहाँ पे बीटरूट का जूस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम यहाँ पर डबल बॉयलर की हेल्प से इसको बॉयल करेंगे ताकि जो हमारी पेट्रोलियम जेली है और ऑयल है वो अच्छे से पिघल जाए, और इसको मैं एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लूँगी। और इसको हम उठाकर रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए क्योंकि ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर उठाकर ही रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में इसको बनाकर रख लिया है। अब मैं इसको बताती हूँ कि आप क्या करें कि जब तक ये अच्छे से जम नहीं जाता तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे क्या, ताकि जो बीटरूट का जूस है वो नीचे ना बैठे। अब ये देखिए जब आप ये अच्छे से जम जाएगा तो जो बीटरूट का जूस है ये अपना भी अलग निकल जाता है, तो जितना एक्स्ट्रा है वो अपना आप निकल जाएगा, इसको आप अलग से निकाल लीजिए। तो बस ये देखिए हमारी जो बीटरूट से बना हुआ लिप बाम है वो बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि इसके अंदर नेचुरल चीज़ें ऐड करी हुई हैं तो इसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर ही उठा कर रखें और आप इसे 15 से 20 दिनों के लिए चला सकते हैं।
ये था बीटरूट से बना हुआ लिप बाम, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, साथ ही ये मॉइस्चर भी मिल रहा है हमारे लिप्स को। जब मॉइस्चर मिलने से हमारे जो लिप्स हैं वो ड्राई फील नहीं करेंगे और हमारे जो लिप्स हैं वो फटेंगे भी नहीं। चलिए अब दूसरे चलते हैं, अपने दूसरे लिप बाम को किस तरीके से बनाना है वो देख लेते हैं। ये हम लोग बनाने जा रहे हैं फूड कलर की मदद से। तो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे पेट्रोलियम जेली। तो एक बाउल के अंदर आप पेट्रोलियम जेली ले लीजिए, जितनी भी आपको लिप बाम बनानी है उतनी आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फूड कलर। तो फूड कलर मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब बस मैं इसको बॉयल कर लूँगी डबल बॉयलर की हेल्प से, और ये देखिए बस यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फूड कलर होगा तो उस वो नीचे रह जाएगा, और बाकी हमारा जो लिप बाम है उसके अंदर जितना कलर आना चाहिए वो आ जाएगा। 5 मिनट के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख लीजिए ताकि अच्छे से जम जाए। तो ये था फूड कलर से बना हुआ लिप बाम जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी थोड़ा सा ही फूड कलर वो ऐड किया था, अगर आपको ये कलर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा कलर ऐड कर लीजिए और आपका जो ये लिप बाम है वो तैयार हो जाएगा अपने कलर के अकॉर्डिंग। जो भी आपको बनाना चाहते हो उस तरीके का फूड कलर आप ले आइए और अपने आप इसको बना सकते हैं। अब ये तो हो गया फूड कलर से बना हुआ लिप बाम, अब बनाते हैं हम कि हम अपनी पसंद की लिपस्टिक से किस तरीके से लिप बाम बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से पेट्रोलियम जेली लिया है और मैं यहाँ पे लैक्मे की एक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिपस्टिक ही डालनी होती है, ज़्यादा लिपस्टिक हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसको पिघला लेना है डबल बॉयलर की हेल्प से, और इसको मैं उठाकर एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लूँगी, और ये कंटेनर मुझे रखना है रेफ्रिजरेटर के अंदर उठा के कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये अच्छे से जम जाएगा और मैं इसको लंबे समय के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने बना लिया है लिप बाम, वो भी लिपस्टिक की मदद से। लिपस्टिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद की, अगर आपको रेड पसंद है रेड, मेहरून पसंद है या फिर ऑरेंज, या फिर कोई भी आप अपना कलर ले सकते हैं और अपना लिप बाम तैयार कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से हमने लिपस्टिक का यूज़ किया है उसी तरीके से आप आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमने लिपस्टिक ऐड करी है वहाँ पे आप आई शेडो ऐड कर दीजिए, अपनी पसंद की कोई भी आई शेडो आप ऐड कर सकते हैं और आपकी जो लिप बाम है वो कलरफुल लिप बाम तैयार हो जाएगी। तो ये थे 3 तरीके के लिप बाम जो मैंने अभी आपको बताए, और मैंने आपको एक स्क्रबर भी बताया है बीटरूट की मदद से। ये स्क्रबर आपको वीक में 2 बार अप्लाई करना है, और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो लिप्स हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी फटते हैं, तो आपको पूरे दिन में 6 से 7 ग्लास पानी पीना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। विंटर स्पेशल वीडियो बनाई है, अब धीरे धीरे और भी विंटर स्पेशल मैं वीडियोज आपके लोगों के लेके आऊँगी। साथ ही साथ आप लोगों को कोई और वीडियो देखनी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ट्विटर, कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए और आप मेरी बहुत अच्छी सी फ्रेंड बन जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी और भी विंटर स्पेशल वीडियोस देखने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।